Hey everyone, I hope you all are doing well. So today we are starting a new chapter that is Molecular Basis of Inheritance. ये chapter सबको बहुत बहुत नहीं बोल सकते पर tough ही लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा chapter है, ज़्यादा भी लंबा नहीं है but tough लगता है. So बहुत easy way में हम उसको यहाँ पर cover करने वाले हैं इन नोट्स के थ्रू. और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो इसका PDF फाइल जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड पर प्रोवाइड करूँगी. सो अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए. कमेंट सेक्शन में पिंड होगा चैनल का लिंक, वहाँ पे जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. और नोट्स में मैंने NCERT की हर एक लाइन कवर कर रखी है. अगर आपको कोई डाउट है तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं NCERT के साथ. तो लेट स्टार्ट विद द चैप्टर नाउ. न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. हम सबको पता है कि जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो पॉलीमर होते हैं किसके, न्यूक्लियोटाइड्स के. फॉर एग्जाम्पल DNA एंड RNA. नेक्स्ट है न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल्स टू. अच्छा न्यूक्लियोटाइड किस चीज़ को बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड उस चीज़ को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटो शुगर प्लस फॉस्फेट. जब ये तीनों मिलते हैं ना तब हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं. लेकिन जब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास नाइट्रोजन बेस और पेंटो शुगर का मिक्सचर होता है, सिर्फ नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटो शुगर होती है तो हम उसको क्या नेम देते हैं, उसको हम डिफरेंट नेम देते हैं, डेट इज़ न्यूक्लियोसाइड. उसको हम क्या बुलाते हैं, न्यूक्लियोसाइड. नेक्स्ट है नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें. सो नाइट्रोजनस बेसिस हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं हमारे पास प्यूरिन्स होते हैं, एक हमारे पास क्या होते हैं पायरिमिडीन्स होते हैं. सो प्यूरिन्स की बात करें सो एडेनाइन ग्वानिन क्या होते हैं, हमारे प्यूरिन्स होते हैं. सो इसको एडेनाइन प्यूरिन, इसको लगाने का तरीका ट्रिक आपको बताती हूँ. और साइटोसिन यूरैसिल थायमिन हमारे क्या होते हैं, पायरिमिडाइन्स होते हैं. सो मुझे इनमें बड़ी कन्फ्यूज होती है कौन पिरामिडीन्स होता है कौन सा प्यूरिन होता है. सो इसको लर्न करने की ट्रिक है, आप ऐसे लर्न कर सकते हो AG पूरी. क्या AG पूरी, जैसे किसी का नाम है AG सो आप उसको क्या बोलेंगे AG पूरी. सो ए और जी क्या है आपके, पूरी से क्या आ रहा है प्यूरिन्स और ए से क्या आ रहा है एडेनाइन और जी से क्या आ रहा है ग्वानिन. सो यहाँ पे ऐसे लर्न कर सकते हैं. बाकी जितने बचे वो आपके क्या है, पायरिमिडीन्स हैं. नेक्स्ट हम DNA और RNA की बात करें. सो DNA किसका बना होता है, डीऑक्सीराइबोस का बना होता है. डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है उसमें. और RNA में कौन सी शुगर होती है, राइबोस शुगर होती है. इसमें क्या होता है, यूरैसिल नॉट प्रेजेंट. इसमें यूरैसिल नहीं होता, इसमें यूरैसिल होता है. इसमें थायमिन होता है, इसमें थायमिन एब्सेंट होता है. थायमिन प्रेजेंट, थायमिन एब्सेंट. नेक्स्ट DNA. सो DNA है तो फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय, DNA को सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई किया था, एज न्यूक्लीन. न्यूक्लीन किसने बताया था कि फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय, फ्रेडरिश मिस्चर जो थे उन्होंने सबसे पहले DNA को आइडेंटिफाई किया था एज न्यूक्लीन इन 1869 में फ्रेडरिच मिस्चर ने DNA को आइडेंटिफाई किया. सो डबल हेलिक मॉडल था जो DNA का, वो किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक, जो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ DNA. स्टडी DNA विद एक्सरे. एक्सरे के थ्रू DNA को किसने स्टडी किया था, विंकलिंस फ्रैंकलिन टू साइंटिस्ट थे, इन्होंने स्टडी किया था DNA को थ्रू एक्सरे. नेक्स्ट DNA इज एसिडिक इन नेचर, वी ऑल नो DNA इज एसिडिक इन नेचर. नेक्स्ट इज, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं DNA की लेंथ वगैरह के बारे में. सो यहाँ पे देखना, सबसे पहले आप ये देखो कि जो आपका एडेनाइन है ना वो किसके साथ पेयर करता है, हमें सबको पता है थायमिन के साथ पेयर करता है. और जो आपका ग्वानिन है वो किसके साथ पेयर करता है, आपका साइटोसिन के साथ पेयर करता है. सो एडेनाइन और थायमिन के बीच में कितने बॉन्ड्स होते हैं, डबल बॉन्ड होता है. क्या होता है, एडेनाइन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, दे आर कनेक्टेड थ्रू डबल बॉन्ड. और जो आपका ग्वानिन और साइटोसिन होता है इनके बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, तीन बॉन्ड होते हैं. कितने, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं इन दोनों के बीच में, ये याद रखना है. एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में हमारे पास कितने बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड. नेक्स्ट है हमारे पास कि ये वही रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, ये DNA का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, उसको लिख के आपको DNA का स्ट्रक्चर यहाँ लिखा है. आइडेनाइन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे कौन कनेक्ट है, फॉस्फेट ग्रुप कनेक्ट है. सो ऐसे आपके कनेक्ट होता है DNA. सो आपकी जो DNA है ना तो उनके मतलब दो जो नाइट्रोजनस बेसिस है, जैसे आप मान लो यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या टी है और यहाँ पे आपका जी है और यहाँ पे आपका सी है. तो इन दोनों के बीच में कितना गैप है, इन दोनों के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉन्ग का गैप है इन दोनों के बीच में. और आपका जो
ये है आपके वन टर्न में कितने पेयर्स प्रेजेंट होते हैं. सो आपके 10 × 3.5 जो हैं वो बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट हम देखें चारगव्स रूल को. तो चारगव्स रूल इन डीएनए प्यूरिन्स चारगव्स रूल क्या बोलता है कि जो प्यूरिन्स हैं उनका नंबर इक्वल होता है पायरिमिडीन्स के. मीन मतलब जितने प्यूरिन्स होंगे उतने ही पायरिमिडीन्स होंगे. इस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आपको बस वैल्यूज पुट करनी होती है और दूसरे की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाती है. तो ये ए प्लस डी इक्वल टू टी प्लस सी वाला ये फॉर्मूला ये लर्न कर लेना. यही चारगव्स रूल है. नेक्स्ट हमारे पास डी नेचुरेशन ऑफ डीएनए. सो डी नेचुरेशन ऑफ डीएनए में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक टू स्ट्रैंड सेपरेट. डी नेचुरेशन मतलब कि डी नेचुरेशन ऑफ डीएनए का मतलब है कि हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेक होना और डीएनए का टू स्ट्रैंड्स में डिवाइड होना. नेक्स्ट है हिस्टोन पॉजिटिव चार्ज होता है और डीएनए क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है, हम सबको पता है. तो तभी तो डीएनए हमारा हिस्टोन के अराउंड क्या होता है रोल होता है, हिस्टोन के अराउंड रोल होता है. नॉन हिस्टोन प्रोटीन हेल्प इन हायर लेवल पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स. ये याद रखना है कि जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं. सो वो पैकेजिंग में हेल्प करते हैं. कहाँ पे? हायर लेवल पैकेजिंग में हेल्प करते हैं. कहाँ पे? यूकैरियोट्स के केस में. नेक्स्ट है हिस्टोन. सो हिस्टोन कितने टाइप होते हैं? एक एच वन होता है, एक एच टू ए, एच टू बी, एच थ्री एंड एच फोर. सो एच वन जो होता है उसको क्या बोलते हैं? लिंकर भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? लिंकर. सो हमारा हिस्टोन ऑक्टामर कब बनता है? जो हमारे H2A, H2B, H3 और H4 जो हैं ये दो बार साथ में आ जाते हैं, मतलब कि दो दो पेयर में आ जाता है. पेयर में आ जाता है जब ये, तब हिस्टोन ऑक्टामर की फॉर्मेशन होती है. और न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन कब होती है? जब आपका H1 प्लस हिस्टोन ऑक्टामर प्लस 200 बेस पेयर ऑफ DNA जब ये साथ में आते हैं तो उनको हम टर्म देते हैं न्यूक्लियोसोम. H1 प्लस हिस्टोन ऑक्टामर प्लस 200 बेस पेयर ऑफ DNA वो क्या बनाते हैं? आपका न्यूक्लियोसोम बनाते हैं. आपका जो हिस्टोन्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन होते हैं ना. सो हिस्टोन जो है वो किससे बने होते हैं? लाइसिन और आर्जिनिन से. किससे बने होते हैं? हमारे हिस्टोन्स जो होते हैं वो लाइसिन और आर्जिनिन से बने होते हैं. सो इसको लर्न करने की ट्रिक है कि हिस्टोन मानो आपके क्या होते हैं? लार्ज होते हैं. तभी तो डीएनए उनके अराउंड क्या करता है? अपने आप को रोल करता है. तो आपका ऐसे मानो कि हिस्टोन क्या हमारे लार्ज है. तो एल से आपका क्या गया? लाइसिन. और आर जो यहाँ बना ना, आर जैसे क्या बन रहा? आर्जिनिन. सो यहाँ से आप इसको ऐसे क्लियर कर सकते हो ट्रिक की मदद से. थोड़ा रिमाइंड माइंड में आपके रहेगा ये चीज़. तो एल से लाइसिन और आर्जिनिन से क्या बने होते हैं? आपके हिस्टोन प्रोटीन्स बने होते हैं. ये क्वेश्चन आता है सो ये भी आपके माइंड में होना चाहिए. नेक्स्ट न्यूक्लियोसोम. जब हमारे 6 न्यूक्लियोसोम आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो किसकी फॉर्मेशन करते हैं? सोलिनोइड की फॉर्मेशन करते हैं. और जब सोलिनोइड बहुत सारे हो जाते हैं, सोलिनोइड मैनी, सो वो किसकी फॉर्मेशन करते हैं? क्रोमैटिड्स की फॉर्मेशन क्रोमैटिड की फॉर्मेशन करते हैं. और जब दो क्रोमैटिड आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम बनाते हैं. सो ऐसे हमारे क्या बनते हैं? क्रोमोसोम्स बनते हैं. सो अब हम बात करने वाले ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में. ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने परफॉर्म किया था? किसने बताया था? एफ ग्रिफिथ ने. इन्होंने क्या किया था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे किया था एक्सपेरिमेंट. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में क्या होता है? स्मूथ कॉलोनीज होती हैं और एक रफ कॉलोनीज होती हैं. स्मूथ कॉलोनीज को क्या बोलते हैं? एस स्ट्रेन. और रफ कॉलोनीज को क्या बोलते हैं? आर स्ट्रेन. स्मूथ कॉलोनीज क्या होती है? हमारी कैप्सुलेटेड होती है, म्यूकस इनमें प्रेजेंट होता है और वायरुलेंट होती हैं. मतलब ये इन्फेक्शन कॉज कर सकती हैं. आपकी कौन सी? स्मूथ कॉलोनीज क्या होती है? कैप्सुलेटेड होती हैं, इनमें म्यूकोकस क्या होता है? प्रेजेंट होता है और वायरुलेंट होती हैं. अब रफ कॉलोनीज क्या होती हैं? आपकी नॉन कैप्सुलेटेड होती है. म्यूकस इनमें क्या होता है? एबसेंट होता है और नॉन वायरुलेंट होती है, इन्फेक्शन नहीं कॉज करती हैं. तो जब ये आप जो ये है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है ना, इसकी ये टू क्या है? टू इसके टाइप्स हैं ये. सो जब इन्होंने इन दोनों को क्या किया? एक माइस में डाला ना. स्मूथ कॉलोनीज को जब इन्होंने माइस में इंजेक्ट किया तो इन्होंने देखा कि माइस क्या है? माइस ना मर गया. क्या हुआ? माइस मर गया, माइस डाय. जब इन्होंने रफ कॉलोनीज को माइस में डाला तो माइस जिंदा रहा, क्योंकि वो क्या थी? नॉन वायरुलेंट थी और ये वायरुलेंट थी, तो माइस जिंदा रहा. लेकिन क्या हुआ? जब इन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाला, जब इन्होंने जो स्मूथ क्लोनीज हैं उनको क्या कर दिया? थोड़ा हीट किया, मतलब कि हीट से उनको थोड़ा मारा, अध मरे ही डाली, मतलब कि हीट किल्ड मतलब हीट से मारी हुई इन्होंने एस स्ट्रेन वाली जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है किस में इंजेक्ट किया? माइस में इंजेक्ट किया. सो माइस क्या हो गया? माइस जिंदा था, माइस जिंदा था. लेकिन जब इन्होंने क्या किया हीट किल्ड एस स्ट्रेन को प्लस रफ कॉलोनीज दोनों को, क्या किया? हीट किल्ड एस स्ट्रेन को प्लस रफ कॉलोनीज को
रफ कॉलोनीज को क्या किया, माइस में इंजेक्ट किया तो माइस मर गया. एक बार फिर से देखो, जब एस स्ट्रेन को डाला माइस में तो माइस मर गया क्योंकि क्या थी, ये वायरुलेंट थी. जब रफ को डाला तो माइस जिंदा रहा क्योंकि ये क्या है, नॉन वायरुलेंट है. लेकिन जब आपकी हीट किल्ड एस स्ट्रेन को फिर से माइस में डाला तो माइस जिंदा रहा क्योंकि वो क्या थी, मरी हुई थी एस स्ट्रेन जो थी. लेकिन फिर क्या किया उसने, हीट किल्ड एस स्ट्रेन को प्लस आर स्ट्रेन दोनों को इंजेक्ट किया तो माइस आपका मर गया. ठीक है, सो इससे हमें क्या पता चला कि ऐसी कोई चीज़ है जो इस वाले एस स्ट्रेन ने इस आर स्ट्रेन में पास कर दी, जिसकी वजह से माइस में इन्फेक्शन कॉज हो गया और वो मर गया. अभी तक पता नहीं था कि ऐसा क्या हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये हुआ था हमारे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में. नेक्स्ट है हमारे पास बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. तो अब बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की किसने दी थी, तीन साइंटिस्ट थे, एवरी, मैक्लियोइड एंड मैकार्टी ने, तीनों ने मिलके बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन दी थी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की. ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस इज डीएनए. इन्होंने क्या बताया था कि जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है वो कौन है, डीएनए. उसने ये बताया था, जो एफ ग्रिफिथ था उसने ये बताया था कि कुछ तो ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या ट्रांसफर हो रहा है. तो इन्होंने बताया कि क्या ट्रांसफर हो रहा है, इन्होंने बताया ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस इज डीएनए. सो डाइजेस्टिव इंजाइम्स इन्होंने क्या किया, डाइजेस्टिव इंजाइम्स डाले. ठीक है, इन्होंने डाइजेस्टिव इंजाइम्स डाले तो क्या हुआ, जब प्रोटीएजेस डाला गया तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई. इन्होंने इसी में एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन में क्या किया, इन्होंने डाइजेस्टिव इंजाइम्स डाले. जब इन्होंने प्रोटीएजेस डाला तो मतलब कि उन्होंने क्या किया, प्रोटीएजेस डाला, सो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी. प्रोटीएजेस तो सिर्फ प्रोटीन को खाएगा, प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करेगा, तब भी ट्रांसफॉर्मेशन तो हो जाएगी. आरएनएस जब इन्होंने डाला तब भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी क्योंकि आरएनएस क्या करेगा, आरएनए को डिस्ट्रॉय करेगा. लेकिन जब इन्होंने डीएनएस डाला ना तो डीएनएस क्या करेगा, डीएनए को डाइजेस्ट करेगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई. इससे कन्फर्म हो गया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस था वो कौन था, डीएनए था. नेक्स्ट है हमारे पास हर्शी एंड चेस का जो एक्सपेरिमेंट है वो कब उन्होंने परफॉर्म किया था, 1952 में. डेट्स भी याद करनी है. सो हर्शी और चेस, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लर्न होना चाहिए. तो हर्शी चेस ने किस पे किया था, बैक्टीरियोफेज पे किया था अपना एक्सपेरिमेंट. इन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डाला आपके बैक्टीरियोफेज में. सो रेडियो एक्टिव सल्फर नॉट एंटर इन बैक्टीरियल सेल्स. बैक्टीरियोफेज क्या करते हैं, हमारे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं. सो बैक्टीरियोफेज में इन्होंने क्या डाला, रेडियो एक्टिव सल्फर, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस. ठीक है, सो रेडियो एक्टिव जो सल्फर था, जब बैक्टीरियोफेज ने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया तो उसने क्या किया, बैक्टीरिया सेल में जो है वो आपका सल्फर जो है वो नहीं गया, एंटर नहीं हुआ. लेकिन जो आपका फॉस्फोरस था, जो आपके बैक्टीरियोफेज ने बैक्टीरियल सेल जो था उसको वायरस उसको जो है उसको इन्फेक्शन कोज किया, तब आपका जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था वो उस बैक्टीरिया के सेल में पाया गया. सल्फर नहीं पाया गया, फॉस्फोरस पाया गया. तो इससे क्या पता चला कि जो कॉज कर रहा है आपका, जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है वो कौन कॉज कर रहा है, डीएनए. क्योंकि डीएनए किससे बना होता है, हमारे डीएनए फॉस्फोरस होता है ना हमारे डीएनए में. तो इससे ये पता चल गया कि डीएनए जो है वो इन्फेक्शन कॉज करता है बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियोफेज में ऐसा क्या है जो इन्फेक्शन कॉज करता है, वो है आपका डीएनए. नेक्स्ट हमारे इस जो एक्सपेरिमेंट है ना, इसमें तीन स्टेप्स इन्वॉल्व हुए थे, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन. ये आपके उसमें बने होंगे, एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, इन्फेक्शन, फिर ब्लेंडिंग, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन. नेक्स्ट हमारे पास सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन. सो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय मेल्सन एंड स्टाहल इन 1958. सबसे पहले किसने की थी, मेसलसन एंड स्टाहल ने की थी 1958 में, इन ई कोलाई, इसर्शिया कोलाई में इनने की थी. और टेलर ने किस में की थी, वीसिया फाबा में 1958 में की थी. लेकिन याद रखना किस में की थी, वीसिया फाबा में की थी इन्होंने. क्या की थी, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन. तो मेल्सन और स्टाहल ने क्या किया था, यूज्ड हैवी आइसोटॉप ऑफ नाइट्रोजन 15. याद रखना क्या किया था, यूज्ड हैवी आइसोटॉप ऑफ नाइट्रोजन 15. ग्रू इसर्शिया कोलाई इन NH4Cl एन 15 NH4Cl. मतलब एन नाइट्रोजन ने कौन सी ली, ये 15 वाली, और H4Cl NH4Cl लिया. सेंट्रीफ्यूगेशन इन CaCl, सीजियम क्लोराइड में सेंट्रीफ्यूगेशन की थी. पूछा जाता है कि नीट 2022 में भी क्वेश्चन आया था कि किस में सेंट्रीफ्यूगेशन की थी, तो सीजियम क्लोराइड में की थी, याद रखना है. आरएनए की बात करें, सो आरएनए हमारे पास कितने टाइप के होते हैं,
अरे हमारे पास तीन टाइप के होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। ये क्या होते हैं? मैक्सिमम प्लस मोस्ट स्टेबल। ये मैक्सिमम नंबर में प्रेजेंट होते हैं और मोस्ट स्टेबल होते हैं। ये मिनिमम नंबर में प्रेजेंट होते हैं और लीस्ट स्टेबल होते हैं। इनका कोई डेटा आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, ट्रांसफर राइबोसोम्स का। नेक्स्ट है हमारे पास कि राइबोसोमल आरएनए की बात कर रहे हैं, आरआरएनए की। सो आरआरएनए हमारे प्रोकैरियोट्स के केस में और यूकैरियोट्स के केस में कैसे होते हैं? सो जो राइबोसोमल आरएनए है वो प्रोकैरियोट्स के केस में, जो कि 70S होते हैं, प्रोकैरियोट्स के केस में होते हैं 70S होते हैं, और यूकैरियोट्स के केस में क्या होते हैं? 80S होते हैं। 70S भी दो में फर्दर डिवाइड है, 50S और 30S। मतलब कि 50S और 30S मिलके क्या बनाते हैं? 70S। और 80S में आपका है 60S प्लस 40S आपका मिलके क्या बनाते हैं? 80S वाला आरआरएनए। तो 50S को कौन बनाता है? 23 और 5 वाला, 23S और 5S 50S, और 30 कौन? 16S। और 60S को कौन? 28S, 5.8S, 5S और 18S। कौन? 5.8S, 5S एंड 18S एंड 28S। ठीक है, सो इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हो कि यूकैरियोट्स के राइबोसोम्स कौन कौन से, अगर आपको लर्न नहीं हो रहा है। सो यूकैरियोट्स के कौन कौन से हैं? 28, जिनके लास्ट में 8 आ रहा है, जिनके लास्ट में 8 आ रहा है, वो सारे किस में हैं? आपके यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं। बस आपको ये याद रखना है कि आपको जो 5S वाला राइबोसोम होता है, ये दोनों में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स के केस में भी और प्रोकैरियोट्स के केस में 5S वाला राइबोसोम प्रेजेंट होता है। बस 8-8 वाले सारे किस में आएंगे? यूकैरियोट्स के केस में। सो ये क्या है? इसको एक लर्न करने की ट्रिक समझ लो, ऐसे लर्न कर सकते हो आप। नेक्स्ट, जेनेटिक मटीरियल की बात करें। सो जेनेटिक मटीरियल में ऐसी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे वो क्या बनता है? जेनेटिक मटीरियल में काउंट हो। सो शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। सो जो हमारा जेनेटिक मटीरियल है वो क्या होना चाहिए? वो अपना रेप्लिका बना पाए, उसमें क्या होना चाहिए? कैपेबल होना चाहिए। शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, बोथ डीएनए आरएनए आर एबल टू रेप्लिकेट। नेक्स्ट, शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। दोनों को क्या होना चाहिए? केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थायमीन। डीएनए में ऐसा क्या है जो उसको स्टेबल बना रहा है? तो उसमें क्या है? थायमीन है यूरैसिल की जगह पे। शुड शो स्कोप फॉर स्लो चेंजेस दैट इज म्यूटेशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एवोल्यूशन। आरएनए शोज मोर म्यूटेशन देन डीएनए। आरएनए ज़्यादा म्यूटेशन जो है वो दिखाता है देन डीएनए। नेक्स्ट है, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इट सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। आरएनए कैन ईजिली एक्सप्रेस इट सेल्फ बट डीएनए बीइंग मोर स्टेबल इज प्रेफर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। आरएनए ईजिली एक्सप्रेस कर लेता है मेंडेलियन कैरेक्टर्स को, बट डीएनए जो है उसको हम ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए हम उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के स्टोरेज के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा भी आपको ज़रूर याद होना चाहिए कि किसने दिया था? फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। फ्रांसिस क्रिक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था। क्या होता है सेंट्रल डोगमा में? क्या होता है? डीएनए जो है वो ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बनाता है? हमारा एमआरएनए। डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होती है, फिर क्या बनता है? एमआरएनए। और एमआरएनए की क्या होती है? ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दो डिफरेंट टर्म्स हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या बनता है? एमआरएनए। और एमआरएनए की फिर क्या होती है? ट्रांसलेशन होती है, उससे क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। और डीएनए की क्या होती है? रेप्लिकेशन होती है, उससे क्या बन जाता है? फिर से दोबारा डीएनए बन जाता है। डीएनए की रेप्लिकेशन से डीएनए बन सकता है। नेक्स्ट हमारी रेप्लिकेशन वगैरह, ये बाकी सब हम किस में कवर करेंगे? पार्ट टू में कवर करेंगे। आई होप सो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो अगर आपको क्लियर हो गया है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए नोट्स का सो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सभी पीडीएफ्स जो हैं नोट्स के वहीं पे मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। और आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।